वेलकम टू ऑल. माय नेम इज मुकुंदलता एंड आई एम वर्किंग इन डॉक्टर के एन माइपर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड वी आर ऑर्गेनाइजिंग द वेबिनार ऑन फर्मेंटेशन एंड द आइसोलेशन ऑफ द म्यूटेंट्स एंड दीज वेबिनार आर प्रेजेंटेड बाय मिस कनुप्रिया एंड मिस्टर प्रांसुल सेठी बी फ्रॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स. I would like to invite our respected director, sir, to say something to our presenting students. Sir. Good afternoon to everyone. This is very good initiative by BPharm fourth year students that they have started their webinar series. And the first webinar in this series is on fermentation. Going to be presented by Kanupriya and Pranshul. I would request all the BPharm final year students to attend the webinar sincerely, and it may help you in your forthcoming exams. So all the best to presenters. Okay, Kanupriya, Miss Kanupriya. Yes, ma'am. Please start. Director sir and all faculty members, today is my topic is fermenter. Ma'am, next. ferment हम मतलब जब हम fermentation process करते हैं तो यहाँ पे fermentation करने के लिए हमारे पास दो terms होते हैं, एक बायोरिएक्टर और फर्मेंटर. अब बायोरिएक्टर क्या होता है? ए बायोरिएक्टर कैन बी डिफाइंड एज अ एपरेटस सच एज अ लार्ज फर्मेंटेशन चैम्बर फॉर ग्रोइंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और ईस्ट दैट आर यूज्ड इन द बायोटेक्नोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सब्सटेंस सच एज फार्मास्यूटिकल एंटीबॉडीज और वैक्सीन और फॉर द बायो कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट. अब फर्मेंटर क्या होता है? जो फर्मेंटर होता है उसको, वो भी हमारा एक टाइप का एपरेटस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, बट इसमें हम क्या करते हैं, वैक्सीन और जो एंटीबॉडीज है उसको हम नहीं ग्रो करा सकते. इसमें हम एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स जो हमारे कॉमर्शियल कॉमर्शियल यूज के लिए होते हैं उस वो हम फर्मेंटर में ग्रो करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब फर्मेंटेशन क्या होता है? द वर्ड फर्मेंटेशन इज डराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फर्वेरे व्हिच मींस टू बॉइल, बट द कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ फर्मेंटेशन इज टू ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसका मीन्स है कि फर्मेंटेशन एक हमारी प्रोसेस है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका हम ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके. अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के टर्म में बोले तो फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रो कराते हैं लार्ज क्वांटिटी में, जो कि हमारा मतलब यूजफुल होता है कोई भी मटेरियल को बनाने के लिए. मैम नहीं, अब हमारा जो फर्मेंटर और बायो रिएक्टर है वो एक हमारा वेसल टाइप होता है जिसमें की केमिकल प्रोसेस होती है, उसमें हमारे ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ मतलब बायोकेमिकल प्रोसेस होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए. फर्मेंटर हमारा एक टाइप का वेसल टाइप होता है. अब फर्मेंटेशन की एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो फर्मेंटर एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है जैसे कि स्टार्च और शुगर हो गया वो कन्वर्ट होता है हमारा अल्कोहल और एसिड में. फॉर एग्जांपल अगर हम ईस्ट का फर्मेंटेशन कराएंगे तो हमारी जो एनर्जी होगी वो एनर्जी ऑब्टेन होगी जिससे क्या होगा, जो हमारी शुगर है वो कन्वर्ट हो जाएगी अल्कोहल में. और अगर हम बैक्टीरिया को परफॉर्म कराएंगे फर्मेंटेशन में तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे. जो
हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो फर्मेंटर के अंदर एक क्लोज वेसल में होती है, और जो फर्मेंटर होते हैं वो हमारे टू टाइप के होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज। ठीक है, अब जैसे ये फर्मेंटर का आपको सबको डायग्राम दिख रहा है, तो हमारा जो फर्मेंटर है उसमें हमारा नीचे हार्वेस्ट पोर्ट लिखा है। जैसे कि अगर हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस करा रहे हैं तो जो कुछ पार्ट है, मतलब कुछ जो बीच में बचा हुआ पार्ट रह जाता है, वो हार्वेस्ट पोर्ट की हेल्प से हम नीचे से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो एडिशनल पोर्ट है, यहाँ से हम कोई भी बैक्टीरिया या इनोक्यूलम को ऐड करते हैं, और बाकी यहाँ पे हमारी मोटर लगी होती है, और ये जो पूरी वेसल है वो मैं आगे फर्दर समझाऊंगी मैम नेक्स्ट। अब ये हमारा जो फर्मेंटर है उसका डिजाइन है, इसमें जो वेसल्स होते हैं उसमें मतलब मटेरियल से बना होता है, और एरिएशन के लिए हमारे इंपेलर्स लगे होते हैं और बैफल्स होते हैं, और पूरा एरिएशन सिस्टम होता है जिसको हम स्पार्जर कहते हैं। और अगर मतलब ये जो पूरी पूरा वेसल है वो कंट्रोल और मॉनिटरिंग करने के लिए हमें टेम्परेचर गॉज लगा होता है, और ऑक्सीजन होती है, पीएच होता है, और प्रेशर होता है, और एंटी फोमिंग और फोमिंग एजेंट को ऐड करने के लिए ऊपर एक एक मतलब होल होता है जहां से हम फोमिंग और एंटी फोमिंग एजेंट को बैलेंस करने के लिए डालते हैं। नेक्स्ट मैम, ये हमारा पूरा फर्मेंटर है, यहाँ से मतलब ऊपर से स्टीम जाती है, ऊपर मोटर लगी हुई है, नीचे हमारा जो इम्पेलर जो मैंने अभी बताया था कि मिक्सिंग के लिए हेल्प करते हैं, बाकी ये पूरी वेसल होती है, इसमें स्पार्जर नीचे जो एरिएशन के लिए लगा होता है, और हमारा यहाँ मतलब नीचे से स्टीराइल एयर जाती है, ऊपर पीएच लगा हुआ है, एसिड और बेस को बैलेंस करने के लिए रिजर्व पंप लगे होते हैं, फिल्टर्स लगे होते हैं। तो ये पूरा डायग्राम है हमने। जो हमारा फर्मेंटर को बनाने के लिए हमारा मतलब कि हम स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं। अगर हम स्मॉल स्केल की बात करें तो हम ग्लास ले सकते हैं या स्टेनलेस स्टील का यूज कर सकते हैं, और अगर हम लार्ज स्केल की बात करें तो स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं जिसमें कि लेस देन 4% क्रोमियम मिक्स्ड होता है, माइल्ड स्टील होता है, वुड से हम कर सकते हैं, प्लास्टिक एंड कॉन्क्रीट और पायलट से हम लार्ज प्रोसेस के लिए फर्मेंटर बना सकते हैं। नेक्स्ट मैम, मटेरियल यूज्ड इन फर्मेंटर, अब हम इसमें आयरन लेते हैं फर्मेंटर की कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन वो ससेप्टिबल होता है कोरोजन से, तो हम क्या करते हैं इसमें 12.5% क्रोमियम को ऐड करते हैं। जो क्रोमियम होता है वो ऑक्सीजन के साथ जॉइंट होकर एक लेयर बना लेता है, और हम इसमें अल्फा आयरन का भी यूज करते हैं जो कि हमारा गामा आयरन बनाता है, जब हम उसको हीट करते हैं 190 डिग्री पे। अब हम बताते हैं मतलब कि कैसे हमारा जो फर्मेंटर है उसमें क्या क्या चीजें यूज होती है, और उसके क्या मतलब क्या क्या उसके यूज होते हैं। अब जो हमारा फर्मेंटर है वो एक सिलेंड्रिकल वेसल होती है जिसमें हमारा एजिटेटर और इम्पेलर लगा होता है, और मतलब वेसल के अंदर हमारा एजिटेटर और इम्पेलर लगा होता है। अब वेफल्स जो यूज होते हैं वो फ्लैट वर्टिकल प्लेट्स होती हैं, जैसे कि अभी आपने पिक्चर्स में मतलब आगे जो पीछे जो पिक्चर्स थी उसमें देखा होगा, जो साइड में बॉल होती है वो हमारी वेफल्स होती हैं। ये हमारी इसकी जो विड्थ होती है वो 1/10 ऑफ वेसल डायमीटर होती है। नॉर्मली हम 4 से 6 वेफल प्लेट्स यूज कर सकते हैं मतलब वेसल के अंदर, जो कि हमारी क्या करती है मिक्सिंग के लिए और वोर्टेक्स को प्रिवेंट करने के लिए जो डेड स्पेसेस होते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए यूज होती है। अब जो हमारा इम्पेलर है वो मिक्सिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, मिक्सिंग के लिए कैसे यूज होगा, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन ट्रांसफर कर सकता है, और
हमारा हीट ट्रांसफर कर सकता है, सस्पेंशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, मेंटेन अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर, क्रिएट लोकल टर्बुलेंस। और ये हमारे नीचे डायग्राम है इम्पेलर्स के, इसमें इसमें जो ये ब्लेड टाइप लगे होते हैं ये हमारे मिक्सिंग के लिए हेल्प करते हैं। अब जो हमारा जो इम्पेलर होता है वो हमारा एक्सटर्नल मोटर से फिट होता है, मतलब अब जो हमारा इम्पेलर है मतलब ब्लेड्स हैं, वो हमारा ऊपर की साइड एक मतलब मोटर लगी होती है जिसकी हेल्प से वो स्थिर करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा इम्पेलर होगा उसमें हम बार बार क्या करते हैं, उसको निकालते हैं और डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे कॉन्टामिनेशन होने का खतरा रहता है, मतलब हम उसको बार बार निकाल रहे हैं, बाहर रख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम सील का इंजेक्ट कराते हैं, जिससे क्या होता है कि कोई भी कॉन्टामिनेशन ना हो पाए। नेक्स्ट मैम, अब क्या है, अगर हमारा जो स्टराइल एयर होती है वो रिक्वायर्ड होती है कोई भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि नीचे स्पार्जर्स लगे होते हैं जो कि हमारा स्टराइल एयर को ऊपर जाने में हेल्प करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था ऊपर की साइड एडिशनल पोर्ट लगे होते हैं, उससे क्या होता है हमारा हम इनोक्युलम डाल सकते हैं और कोई भी जो बैक्टीरिया होता है वो भी डाल सकते हैं। वाटर सिस्टम इन और आउट हमारे दोनों साइड फर्मेंटर में दोनों साइड में लगे होते हैं। और हार्वेस्ट पोर्ट भी मैंने आपको बताया था, नीचे हार्वेस्ट पोर्ट लगा होता है जिससे क्या होता है जो हमारा बचा हुआ मटेरियल है हम वहां से उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मैम, फैक्टर ऑफ एक्टिंग फर्मेंटर। अब जैसे कि उसमें हम एयर का यूज करते हैं, तो एयर का टेम्परेचर, प्रेशर, न्यूट्रिएंट, एजिटेशन, डिसॉल्व ऑक्सीजन, एयर और रिडॉक्स रिएक्शन, ये सब इसको अफेक्ट करती है फर्मेंटेशन को। अगर एक भी चीज सही नहीं होगी तो हमारा फर्मेंटेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट मैम, तो सबसे पहले हमारा फैक्टर अफेक्टिंग में है सिलेक्शन ऑफ माइक्रोबियल स्ट्रेन, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट स्ट्रेन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर इन्वॉल्व्ड इन लीचिंग ऑफ मेटल शुड बी अवॉइडेड एंड द फर्मेंटर शुड बी स्टराइल बिफोर द फर्मेंटेशन प्रोसेस। मतलब कि अगर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही मतलब ससेप्टिबल नहीं होगा उस चीज के लिए तो हमारा जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं फर्मेंटेशन का कराने के लिए वो सबसे सही मतलब होना चाहिए। उसके बाद पीएच, मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इम्प्लॉयड इन फर्मेंटेशन ग्रो ऑप्टिमली। मैम नीचे, मैम दूसरी स्लाइड हो गई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इम्प्लॉयड इन फर्मेंटेशन ग्रो ऑप्टिमली बिटवीन 5 to 8.5 इन बायोरिएक्टर। मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे 5 से 5.5 से 8.5 के बीच में सबसे अच्छी तरह से ग्रो हो सकते हैं। तो द बायोरिएक्टर एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो दे रिलीज मेटाबोलाइट्स इनटू द मीडियम। मतलब जैसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो करेंगे तो वो क्या करते हैं वो मेटाबोलाइट को रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो पीएच है वो चेंज हो सकता है, मतलब वो 4 भी हो सकता है या 8.5 से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए हमारा जो पीएच को कंटिन्यूअस रखते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, तो हम उसके लिए हम उसमें एडिशन कर सकते हैं एसिड्स का और एल्कली बेस का। नेक्स्ट मैम, अब नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर कंट्रोल इज एसेंशियल इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस। लोअर टेम्परेचर कोज रिड्यूस प्रोडक्ट फॉर्मेशन व्हाइल हायर टेम्परेचर अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द बायोरिएक्टर आर नॉर्मली इक्विपाइड विद हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम दैट कैन बी यूज एज पर द रिक्वायरमेंट। मतलब
अगर हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो क्या होता है कि हमारा जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो हमारी कम हो रही है, और अगर हम उसको हाई कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कूलिंग के लिए लगा होता है, जिससे क्या होता है हमारा, अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो इंक्रीज कर मतलब डिक्रीज करने के लिए कूलिंग वाटर को सप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो उसका टेम्परेचर लोअर हो जाता है, और बढ़ाने के लिए भी वहाँ पे थर्मामीटर्स लगे होते हैं उसको मॉनिटर करने के लिए। डिजॉल्व ऑक्सीजन, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ स्टेराइल एयर इज डन टू द कल्चर मीडियम, दिस इज कैरिड आउट बाय इंट्रोड्यूसिंग एयर इन टू द बायोरिएक्टर इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड इज डन इन द बायोरिएक्टर फॉर ऑप्टिमल प्रोडक्ट फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो स्पार्जर की हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, तो वहीं से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मॉनिटर करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो हमारे फर्मेंटेशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर क्या होगा, अगर हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा हो रही है तो उसमें क्या होता है, बबल्स बनने लगते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो उसको भी हम पूरा मेंटेन करके रखते हैं। और जो हमारा अगला है न्यूट्रिशन कंसंट्रेशन, द न्यूट्रिशन कंसंट्रेशन इन अ बायोरिएक्टर शुड बी लिमिटेड, मतलब जो हमारी लिमिटेड होनी चाहिए न्यूट्रिशन की कंसंट्रेशन, लिमिटिंग कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिशन इज एडवांटेज ऑफ ऑप्टिमल प्रोडक्ट फॉर्मेशन, बट द हाई न्यूट्रिशन कंसंट्रेशन आर ओपन एसोसिएटेड विद इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ। नेक्स्ट मैम, हाँ, मिक्सिंग के लिए हमारे इम्पेलर्स और एजिटेटर्स लगे होते हैं, तो जो कंटिन्यूस एंड एडिक्वेट मिक्सिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर बहुत नेसेसरी होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, प्रिवेंटिंग ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट प्रोडक्ट, गुड मिक्सिंग ऑल्सो क्रिएट फेवरेबल इन्वायरमेंट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, मतलब अगर हमारी मिक्सिंग अच्छे से होगी तो हमारा जो माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड होगा, जिससे क्या होता है हमारे जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत अच्छा बनता है। फॉर्म फॉर्मेशन, द मीडिया यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन इज जनरली रिच इन द प्रोटीन, मतलब अगर जो हमारा जो मीडिया होता है इंडस्ट्री में जिसको फर्मेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं वो हमारा प्रोटीन से रिच होता है। व्हेन एजिटेटेड ड्यूरिंग एरिएशन, मतलब अगर हम एयर की कंडीशन में हम उसको रोटेट करा रहे हैं, इनवेरेबली रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म, तो उससे क्या होगा कि हमारे फॉर्म जो होंगे उन प्रोड्यूस होने लगेंगे। तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, हम एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि सरफेस टेंशन जो होती है वो लोअर हो जाती है या फिर हमारी मीडियम हो जाती है। नेक्स्ट मैम, हाँ, तो अब क्या है, जो हमारा फर्मेंटेशन था वो फुलफिल अ नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट, मतलब नीचे जो पॉइंट्स दिए हैं उनकी जो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। उसमें क्या है, एक स्टेराइल एनवायरमेंट, मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्टेराइल एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है, बायोमास कंसंट्रेशन करता है, एक्सिस ऑफ एनवायरमेंट मॉनिटरिंग, मतलब उसमें टेम्परेचर और डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेशर और पीएच उन सब की मॉनिटरिंग होती है, प्रोविजन ऑफ सैम्पलिंग होती है, प्रोविजन फॉर एडिशनल ऑफ एंटी फॉर्मिंग एजेंट एसिड बेस फ्रेश मीडियम, अफेक्टिव एजिटेशन होता है, एरिएशन होता है, प्रोडक्ट रिमूवल होता है, प्रोडक्ट इनहिबिशन होता है, मेटाबोलिज्म में मेटाबोलिक एक्टिविटीज उसमें पूरी होती है। नेक्स्ट मैम,
अब लास्ट में क्या है कि हमारे जो फर्मेंटेशन हम करा रहे हैं उसके एप्लीकेशन क्या हैं। ए बायो रिएक्टर मे ऑल्सो रेफर टू अ डिवाइस और सिस्टम मेंट टू ग्रो अ सेल और टिश्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल कल्चर। मतलब हम इसमें सेल को ग्रो करा सकते हैं। दीज डिवाइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज ऑफ टिश्यू इंजीनियरिंग। मतलब हम टिश्यू इंजीनियरिंग में, मतलब बायोटेक्नोलॉजी में हम इसका यूज कर सकते हैं। द बायो रिएक्टर इज द मॉड्यूलर इन नेचर एंड कैरी आउट ऑल द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन अ सिंगल कंटेनिंग एनवायरनमेंट। बायो रिएक्टर प्ले अ कोर रोल इन बायो प्रोसेस। सी टैंक बायो रिएक्टर आर कॉमनली यूज इन अ फर्मेंटेशन इंडस्ट्री ड्यू टू सैंपल टेक्नोलॉजी एंड हायर यील्ड। सॉलिड स्टेट बायो रिएक्टर आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री। इथेनॉल फर्मेंटेशन इज डन बाय साइक्रोमाइसिस सेरेबियासिया इन बायो रिएक्टर। ऑर्गेनिक एसिड, मतलब जैसे कि हम एसिटिक एसिड और ब्यूटेरिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं यू बैक्टीरियम लाइमोसम से। और हमारा थाइनामाइसिन एंड एंटीबायोटिक ऑल्सो प्रोड्यूस इन अ बायो रिएक्टर। मतलब हम इसमें हम एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं और एसिड्स बना सकते हैं, एथेनॉल बना सकते हैं, और टिश्यू कल्चर में, सेल कल्चर में, इंडस्ट्री में हमारे इसके एप्लीकेशंस हैं। फर्दर विल कंटिन्यू बाय प्रांशु। थैंक यू मैम। थैंक यू कनु। गुड आफ्टरनून डायरेक्टर सर। गुड आफ्टरनून डायरेक्टर सर एंड ऑल द टीचर्स प्रेजेंट हियर। Myself, Pranshul Sethi is going to present the topic isolation of mutants. सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहूंगा जो कि आगे समझने में हेल्प करेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि म्यूटेंट्स होते क्या हैं। बेसिकली म्यूटेंट्स आप कह सकते हो कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, या फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम म्यूटेजेंस का यूज करके कोई भी एक नया जेनेटिक ट्रेट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं म्यूटेंट्स। म्यूटेंट्स एक्चुअली अगर हम सिंप्लीफाइड टर्म में बोलें कि ऐसा एबनॉर्मल करेक्टर जो कि 99% ऑफ द पॉपुलेशन में हम नहीं देख रहे हैं, उसे हम कहते हैं म्यूटेंट। अब हम बात करते हैं, मैंने एक टर्म यूज किया म्यूटाजन। म्यूटाजन क्या होता है? बेसिकली म्यूटाजन क्या है, ये ऐसे केमिकल्स हैं या ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम यूज करके किसी भी ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं म्यूटेशन क्या होता है। बेसिकली म्यूटेशन एक पूरा एक होल प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है, जो आपका नॉर्मल करेक्टर है वो नॉर्मल करेक्टर आने की जगह कोई एक नया ही करेक्टर आ जाता है जो कि अब तक किसी भी ऑर्गेनिज्म में देखा नहीं गया, तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन, म्यूटाजन एंड म्यूटेंट, दे ऑल आर इंटरलिंक्ड। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली म्यूटेंट को हम आइसोलेट कैसे कर सकते हैं। जब भी हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हो रहा है तो हम उस पेरेंट ऑर्गेनिज्म के या फिर कोई अदर म्यूटेंट है उसके पेरेंट ऑर्गेनिज्म से हम क्या कर सकते हैं, इन म्यूटेंट्स को आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया और हैप्लॉइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बात करूं, तो उसमें जो डिटेक्शन होता है, यानी उसमें जो आप आइसोलेट करके डिटेक्ट करते हो कि कौन सा म्यूटेंट है, उसको जब हम करते हैं तो वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, हम सीधे जो भी न्यू अलील डेवलप हुई है उस न्यू अलील को हम ऑब्जर्व करते हैं तुरंत। एक और इसका एग्जांपल है एल्बिनो म्यूटेशन। अगर ये टर्म सुना हो तो एल्बिनो बेसिकली इज लिंक्ड टू एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म बेसिकली एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि क्या होता है, या तो जो आपका मेलानिन, एक मेलानिन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ये जो ब्राउनिश कलरेशन आता है स्किन का, उसकी वजह से आता है। तो अब क्या होता है एल्बिनिज्म में, या तो मेलानिन प्रोड्यूस होना ही बंद हो जाता है या फिर उसकी प्रोड्यूस होने की क्वांटिटी एकदम रिड्यूस हो जाती है। तो वाइट पैचेस वगैरह हो जाना, या फिर एकदम बहुत ज्यादा गोरा, जो देखा भी होगा आप लोगों ने, तो बेसिकली वो होता है एल्बिनिज्म। एंड एल्बिनिज्म के पीछे का कारण क्या होता है, एल्बिनो म्यूटेशन। अब अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एल्बिनो म्यूटेशन है तो हम उसको आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि एल्बिनो म्यूटेशन में क्या है, कलर का चेंज हो जाएगा, पूरी बैक्टीरियल कॉलोनी का कलर ही चेंज हो जाएगा, तो आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। और
दूसरे म्यूटेंट्स को डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स होता है। उन्हीं को आगे कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे आइसोलेट करना है, उन्हीं में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम डिटेक्शन मेथड्स देखते हैं। डिटेक्शन मेथड जो है बेसिकली चार तरीके के होते हैं। एक होता है, सबसे पहला आता है रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक, दूसरा आता है सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन मेथड, और तीसरा आता है आपका एमीज मेथड। इस एमीज मेथड को हम कार्टिनो जेनिसिटी मेथड भी कहते हैं। और चौथा आ गया आपका रेजिस्टेंस सेलेक्शन मेथड। अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहला मेथड आ गया आपका रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक। ये जो रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक है, ये बेसिकली जोशुआ और ईस्टर लीडरबर्ग ने 1952 में डेवलप किया था। इस टेक्निक के पीछे बेसिकली है क्या, इस टेक्निक के पीछे ये है कि हमने क्या करना है, एक प्लेट लेनी है। बेसिकली इसकी ओवरऑल समरी ये है कि हम सबसे पहले क्या करना है, इसके पीछे का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि हमने क्या करना है, जो अमाइनो एसिड्स हैं उसकी एब्सेंस करा देनी है। मतलब हमने बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए कोई अमाइनो एसिड्स देना ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, उस पे हम देखेंगे कि कौन सा स्ट्रेन कैसे डेवलप हो रहा है। अब इसमें आपकी तीन चार टर्म आपने देखी होंगी। एक होता है वाइल्ड टाइप स्ट्रेन। वाइल्ड टाइप स्ट्रेन ऐसा टाइप का स्ट्रेन है जो कि आपकी 99% पॉपुलेशन में देखा जाता है। इसे वाइल्ड टाइप स्ट्रेन कहो या फिर नॉर्मल अलील कहो, बात सेम है। तो वाइल्ड टाइप स्ट्रेन जो है ये 99% ऑफ द पॉपुलेशन में देखा जाता है। और दूसरा होता है एक ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट। ये ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट क्या है, बेसिकली ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट जो है ये ऐसे टाइप के स्ट्रेन है जो कि जिनको की एडिशनली आपको ग्रोथ सप्लीमेंट देना पड़ता है। जब हम अगर हम नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब हम नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जो कि हमने नेचर से लिया है, उसके लिए एसएच जिसमें कि वाइल्ड टाइप स्ट्रेन पाया जाता है, उसके लिए एसएच कोई ग्रोथ सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट्स क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रेन है जिनकी की ग्रोथ सप्लीमेंट के लिए जो हमने ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया उनको ग्रोथ सप्लीमेंट एक्स्ट्रा देना पड़ता है। इसी में एक और टर्म आता है ऑक्सोट्रॉफिक लिपिड मेटाबॉलिक म्यूटेंट। ये ऐसे हैं जिनको कि ग्रोथ सप्लीमेंट के साथ साथ आपने फैटी एसिड्स भी देने हैं, लिपिड प्रिकर्सर भी देने हैं, जैसे कि ग्लिसरॉल पी ग्रोथ मीडियम में। अब हम फिर आगे फर्दर बात करते हैं। तो बेसिकली इसमें हमारा यही था कि हमने क्या करना है, अमाइनो एसिड्स की कमी करने से हमने ये देखना है कि कौन सा वाइल्ड टाइप स्ट्रेन है और कौन सा म्यूटेंट स्ट्रेन है। इसके अलावा हम रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक को इसलिए भी यूज करते हैं कि हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चेक करनी हो अगर बैक्टीरिया में, हम एंटीबायोटिक नहीं दे रहे हैं, एक्सपोजर नहीं करा रहे हैं, उससे पहले ही हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चेक करनी हो अगर बैक्टीरिया कल्चर में, तो भी हम इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, म्यूटेंट्स को जनरेट करेंगे। म्यूटेंट यानी कोई भी नया जीन कैरेक्टर या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अब तक देखा नहीं गया। तो हमने क्या किया, म्यूटाजन लिया। म्यूटाजन क्या है, ऐसे केमिकल या सब्सटेंसेस जो कि म्यूटेशन कॉज कराते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, नाइट्रोसो ग्वानिडीन लिया जो कि एक म्यूटाजन है, और उस म्यूटाजन की वजह से हमने म्यूटेंट्स को जनरेट कराया। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम एक पेट्री डिश लेंगे और पेट्री डिश में एक कंप्लीट ग्रोथ मीडिया डाल देंगे जिसमें कि सारे तरह के सब कुछ होगा, अमाइनो एसिड्स, ग्रोथ और ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स, सब कुछ होगा इसमें, कंप्लीट ग्रोथ मीडिया। उस कंप्लीट ग्रोथ मीडिया में हम क्या करेंगे, जो आपके बैक्टीरिया हैं, जो भी आपके म्यूटेंट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, जो भी आपने टेस्ट करना है, उनको हम इस ग्रोथ मीडिया पे इनोक्यूलेट करा देंगे और उसके बाद इनक्यूबेट कराएंगे। इनक्यूबेट का मतलब हो गया कि कोई भी सेल की ग्रोथ कराना बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर कंडीशन एंड टेम्परेचर, तो उसे हम कहते हैं इनक्यूबेट। तो हम क्या कराएंगे, इसमें इनक्यूबेट कराएंगे। तो फिर आगे क्या होगा, जो भी वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट है दोनों ही कंप्लीट मीडिया पे सरवाइव करके कॉलोनीज फॉर्म कर लेंगे। अब ये जो प्लेट आपके पास बनी है, इस प्लेट को हम कहेंगे मास्टर प्लेट। अब आपने क्या करना है, ये मास्टर प्लेट है, एक आपने स्टराइल वेलवेट क्लॉथ लेना है। उसके बाद उसको क्या करना है, ये जो मास्टर प्लेट है इसके ऊपर इस वेलवेट क्लॉथ को प्रेस करना है। स्लाइटली प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, और वेलवेट क्लॉथ को हटाएंगे तो वेलवेट क्लॉथ के ऊपर क्या होगा, ये जो बैक्टीरियल कॉलोनी फॉर्म हुई थी उसका इम्प्रिंट यानी उसका छाप,
उस पे आ जाएगा। ये जैसे डायग्राम भी आपको शो हो रहा है, ये एक ओवरऑल समरी है इस डायग्राम में पूरा इस स्टेप्स की। तो अब हमने क्या किया, ये वेलवेट क्लॉथ के ऊपर इम्प्रिंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, दो पेट्री डिश लेंगे, ये जो दो पेट्री डिश है इनको हम कहेंगे, इनको हम कहते हैं रेप्लिका प्लेट्स। इस फिर से इन दो पेट्री डिश में से एक पेट्री डिश में हम क्या करेंगे, कंप्लीट ग्रोथ मीडिया बनाएंगे, और दूसरी पेट्री डिश में हम क्या करेंगे, आपके पास जो आप मिनिमल ऐसा मीडिया बनाएंगे जिसमें कि ल्यूसीन ना हो। ल्यूसीन क्या है, अगर पता ना हो तो ल्यूसीन एक टाइप का अमाइनो एसिड्स होता है जो कि आपकी फैटी टिश्यू, लिवर टिश्यू, इन सबके लिए तो इम्पोर्टेंट है ये, प्लस ये एक असेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो कि आपकी ओवरऑल मसल ग्रोथ वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर एज अ रोल प्ले करता है। तो हमने क्या किया, दो रेप्लिका प्लेट्स बनाई, एक रेप्लिका प्लेट में कंप्लीट मीडियम डाला और दूसरी रेप्लिका प्लेट में मीडियम डिवाइड ऑफ ल्यूसीन वो बनाया। अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास स्टेराइल वेलवेट क्लॉथ जिसके ऊपर इम्प्रिंट आया था, उस स्टेराइल वेलवेट क्लॉथ को आप लेंगे, एक बार आप उसे कंप्लीट मीडियम पे डालेंगे और मतलब प्रेस करेंगे, हटाएंगे, और दूसरी बार फिर से आप उसको मास्टर प्लेट पे प्रेस करके फिर आप उसके जो मीडियम डिवाइड ऑफ ल्यूसीन है उस पे प्रेस करेंगे रेप्लिका प्लेट्स पे। तो एग्जैक्टली जहां जहां बैक्टीरियल कॉलोनीज आपकी मास्टर प्लेट पे थी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जगह आपकी बैक्टीरियल कॉलोनीज इन रेप्लिका प्लेट में भी एग्जैक्टली सेम जगह आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, फिर से इन दोनों प्लेट्स को, रेप्लिका प्लेट्स को इंक्यूबेट करेंगे, उसके बाद बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो होंगी, और फिर ये जो रेप्लिका प्लेट्स है इनको हम कंपेयर करेंगे मास्टर प्लेट के लिए कि बैक्टीरियल कॉलोनीज रेप्लिका प्लेट पे कितनी ग्रो हुई है या नहीं ग्रो हुई है। अब ये जो ल्यूसीन ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट्स थे वो उन रेप्लिका प्लेट्स पे ग्रो करेंगे नहीं जिसमें कि ल्यूसीन नहीं थे, क्योंकि हमने दो प्लेट तैयार की थी, एक कंप्लीट मीडिया, एक कंप्लीट मीडियम में आपका ल्यूसीन है, ल्यूसीन मिलेगा तो वो ग्रो करेंगे, और दूसरी उसमें क्या थी कि ल्यूसीन नहीं है। अब ल्यूसीन नहीं है तो क्या होगा, उसमें सिर्फ जो वाइल्ड टाइप एलील थे जिसमें कि जिस रेप्लिका प्लेट में आपके ल्यूसीन नहीं था उसमें क्या सिर्फ और सिर्फ जो वाइल्ड टाइप एलील है वो ही ग्रो करेंगे, क्योंकि जो ल्यूसीन ऑक्सोट्रॉफ है वो ग्रो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑक्सोट्रॉफ म्यूटेंट मैंने बताया ही था क्या होते हैं, ऐसे म्यूटेंट जिनको की एडिशनल ग्रोथ सप्लीमेंट हमें देना पड़ता है, वो बिना उस ग्रोथ सप्लीमेंट के वो ग्रो कर ही नहीं सकते। तो हमने क्या किया, इंक्यूबेट किया रेप्लिका प्लेट से, फिर हमने क्या किया मैचिंग करी, मैचिंग करने से हमने देखा कि कौन सी इसमें वाइल्ड टाइप है और कौन सी इसमें ऐसी है जो कि ल्यूसीन ऑक्सोट्रॉफ है, और इस तरह से हमने आइसोलेट कर लिया क्या, और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे कौन सी जो कि ल्यूसीन, ये ल्यूसीन म्यूटेंट ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट थे। इसके अलावा ये जो रेप्लिका प्लेटिंग मेथड है, हम जो है ऐसे टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, अगर हम टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स के लिए यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉलोनीज को फॉर्म करेंगे 30 डिग्री सेल्सियस पे, और उसके बाद इन कॉलोनीज को आप ट्रांसफर कर देंगे वही रेप्लिका प्लेट्स पे, एक को इंक्यूबेट कराएंगे 30 डिग्री पे और दूसरे को इंक्यूबेट कराएंगे 42 डिग्री पे। तो जो कॉलोनी ग्रो हो रही है 30 डिग्री पे वो एब्सेंट होंगी 42 पे, और इस तरह से हम आइसोलेट कर लेंगे दोनों को। ये हो गया रेप्लिका प्लेटिंग मेथड। अब हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं जो कि है रेजिस्टेंस सिलेक्शन मेथड। रेजिस्टेंस सिलेक्शन मेथड में क्या है, बेसिकली जो वाइल्ड टाइप सेल्स हैं, ये जो हम इसमें ऐसे वाइल्ड टाइप सेल्स लेते हैं जो कि ना तो एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस है ना कि बैक्टीरियोफेज के खिलाफ। अब बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज बेसिकली ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर ही, बैक्टीरिया को एज अ होस्ट यूज करके उसके अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, इसमें ऐसे वाइल्ड टाइप सेल्स लिए जो कि ना तो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंट है ना कि बैक्टीरियोफेज के खिलाफ। इसलिए हम क्या है, इसलिए हम जो बैक्टीरियम को इस एंटीबायोटिक और बैक्टीरियोफेज की प्रेजेंस में हम ग्रो करते हैं। अब जो म्यूटेंट होंगे वो क्या होंगे, वो इन एंटीबायोटिक या बैक्टीरियोफेज की प्रेजेंस में डेथ मर जाएंगे, किल हो जाएंगे, और जो वाइल्ड टाइप है वो इनके खिलाफ रेजिस्टेंट है ही नहीं तो वो आराम से ग्रो कर जाएंगे। तो इसमें क्या है, ये जो मेथड है बेसिकली
म्यूटेंट्स की आइसोलेशन के लिए होता है, जो कि किसी भी केमिकल कंपाउंड के लिए रेजिस्टेंस हो सकते हैं, जैसे कि लाइक अगर फेज रेजिस्टेंट म्यूटेंट्स, इन सब में हम इस मेथड का यूटिलाइज कर सकते हैं। अब तीसरा मेथड आता है सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन मेथड। इसमें क्या है, जो इसमें एक मिनिमम सी जानकारी यही है कि कुछ बैक्टीरिया जो है जो प्राइमरी कार्बन सोर्सेज होते हैं उनको यूटिलाइज कर पाते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो हम कल्चर पहले वो प्लेटिंग कर लेंगे, मास्टर प्लेट तैयार कर लेंगे, लेकिन उस मास्टर प्लेट में हम ऐसा मीडियम डालेंगे जिसमें कि अल्टरनेट कार्बन सोर्सेज होंगे, तो कोई भी कॉलोनी जो कि उस मीडियम पे ग्रो कर रहा होगा वो इस सबस्ट्रेट को यूज करेगा, और अगर वो इस सबस्ट्रेट को यूज कर रहा है यानी वो पॉसिबली ये हो सकता है म्यूटेंट है, और उस म्यूटेंट उसके बेसिस पे हम उस म्यूटेंट को आइसोलेट कर लेंगे। अब इसी में क्या होता है, एक और आता है शुगर यूटिलाइजेशन म्यूटेंट्स। ये जो शुगर यूटिलाइजेशन म्यूटेंट्स होते हैं इनको भी हम आइसोलेट कर लेते हैं बाय मींस ऑफ कलर इंडिकेटर प्लेट्स। कुछ प्लेट्स तैयार करते हैं जिसमें कि कलर इंडिकेटर प्लेट्स, उसको मैं आगे मैंने एक फोटो लगाई है उससे मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसमें बेसिकली हम ईएमबी, अगर ईएमबी मीडियम का यूज करते हैं जो शुगर यूटिलाइजेशन म्यूटेंट्स हैं, ईएमबी अगर जो है बेसिकली क्या है, इसमें दो डाइज होती है, इओसिन और मिथाइल, इओसिन होती है और एक मिथाइलिन ब्लू होती है। ये जो इओसिन और मिथाइलिन ब्लू होते हैं ये कलर देते हैं पीएच के हिसाब से, और इसी में हम क्या यूज करते हैं, इसमें जो हम मीडियम यूज करते हैं उसके अंदर हम लैक्टोज शुगर एज अ कार्बन सोर्स की तरह यूज करते हैं, और उसमें अमाइनो एसिड्स का कंप्लीट मिक्सचर होता है। अब ये जैसे फोटो भी है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, इसमें अगर आप देखें तो मैंने एक तरफ एक्स गाल वाला शो कर रखा है और दूसरी तरफ मैंने ब्लू कॉलोनीज, जो मैंने अभी कलर बताया यानी शुगर यूटिलाइजेशन म्यूटेंट वाला सबस्ट्रेट का यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं। पहली बात तो एक्स गाल है क्या, एक्स गाल जो है बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyrenoside है। ये जो है इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये प्रोडक्ट में टूटता है। अब ये जो प्रोडक्ट में टूटता है वो कैसे डीप कलर देता है, उसकी रिएक्शन मैंने ये समझाई है कि एक्स गल जो है बेसिकली बीटा गैलेक्टोसाइडेज की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है 5-bromo-4-chloro-3-hydroxyl-indol में, वो फर्दर ऑक्सीडाइज होता है और फॉर्म करता है 5-5-D-bromo-4-4-dichloro-indigo। ये जो इंडिगो है ये क्या करता है, ये बेसिकली कन्वर्ट, ये जो है बेसिकली ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। कैसे, जैसे कि ब्लू कॉलोनीज, अगर जो ब्लू कॉलोनी आई है उसका मतलब क्या है, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। नॉन रिकॉम्बिनेंट कैसे, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, ये जो भैया आपके पास नॉर्मल वाइल्ड टाइप एलील है वो क्या कर रहे हैं, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो शुगर यूटिलाइजेशन म्यूटेंट है उनके पास किस चीज की एब्सेंस है, उनके पास एब्सेंस है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की एब्सेंस है। अब क्या हो रहा है भाई, जब नॉर्मल एक्स गाल उनको मिला, यानी अगर प्लस एक्स गाल प्लस आईपीटीजी देते हैं, आईपीटीजी क्या है, एक एंजाइम इंड्यूसर है एक्स गाल। एंजाइम इंड्यूसर का काम क्या होता है, बेसिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो एंजाइम की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देता है एंजाइम इंड्यूसर। कैसे, या तो उस एंजाइम के साथ बाइंड होकर उसको एक्टिवेट कर देता है, या फिर वो क्या करता है, वो बेसिकली जो जीन उसको एक्सप्रेस कर रही है उस एंजाइम को, उस जीन की एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर देता है। उस इंक्रीज के कारण क्या होता है, एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हम एंजाइम इंड्यूसर कौन से यूज कर रहे हैं, आईपीटीजी। आईपीटीजी एंजाइम इंड्यूसर एक्स गाल का है, और इस सेलेक्शन सिस्टम को हम कहते हैं ब्लू व्हाइट या फिर लैक स्क्रीनिंग मेथड। इसमें क्या हो रहा है भाई, नॉर्मल एक्स गाल दिया, नॉर्मल प्रोसीजर हुआ, ब्लू प्रेसिपिटेट बना, ब्लू प्रेसिपिटेट बना, इसका मतलब ये जो हो गई नॉन रिकॉम्बिनेंट, आपकी नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज है। लेकिन व्हाइट कॉलोनी कब फॉर्म हो रही है, व्हाइट कॉलोनी का मतलब रिकॉम्बिनेंट, क्यों, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ही नहीं था, तो जो एक्स गर्ल है वो आगे फर्दर ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ तो ब्लू प्रेसिपिटेट बना नहीं। इस तरह से ये सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन मेथड होता है। अब हम बात करते हैं आपका एमीज टेस्ट, बेसिकली इसको हम कार्सिनोजेनेसिटी टेस्ट भी कहते हैं।
इसको समझने के लिए एक नॉर्मल बेसिक चीज है कि जो कार्सिनोजेंस है, कार्सिनोजेंस क्या है, ये म्यूटेशन कॉज करते हैं, और जो इंड्यूस और उसके कारण क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में कैंसर इंड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली ये मेथड किस पे बेस्ड होता है, ये मेथड बेस्ड होता है कि कार्सिनोजेन की पोटेंशियल क्या है और जो बैक्टीरिया में म्यूटाजेनिसिटी है उसकी टेस्टिंग करते हैं कि ये जो कार्सिनोजेन है इसकी पोटेंशियल कितना है, वो कितना म्यूटाजेनिसिटी कॉज कर रहा है। तो बेसिकली एमीज नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये टेक्निक डेवलप की थी 1973 में, इसी को हम एमीज टेस्ट भी कहते हैं। ये बेसिकली वाइडली यूज होता है कार्सिनोजेंस की डिटेक्शन के लिए। एमीज टेस्ट में म्यूटेशनल रिवर्जन एसे, एमीज टेस्ट को हम और क्या कह सकते हैं, म्यूटेशनल रिवर्जन एसे, जिसमें कि हम साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम ये बैक्टीरिया का यूज करते हैं। हर एक स्ट्रेन में डिफरेंट म्यूटेशन होता है इन द ऑपरेशन ऑफ हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस। कोई भी आप बैक्टीरिया लेंगे उसके अंदर एक बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसे कि हम हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस पाथवे कहते हैं। तो हर एक के लिए जो हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस पाथवे है, उस हर एक के ओपिरॉन के लिए डिफरेंट म्यूटेशन होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एमीज टेस्ट में सबसे पहले हम साल्मोनेला हिस्टिडीन ऑक्सोट्रॉफ्स के कल्चर बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो आपकी बैक्टीरियल सेल्स है, जो नॉर्मल आपकी बैक्टीरियल सेल्स है उसको मिक्स करेंगे, और जो टेस्ट सब्सटेंस, यहाँ पे टेस्ट सब्सटेंस हम कौन सा लेंगे, म्यूटाजन, उसको हम जो डाइल्यूट मोल्टन अगर है, जो डाइल्यूट मोल्टन अगर है उसके अंदर उसको प्रॉपरली मिक्स कर देंगे और उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ हिस्टिडीन डालेंगे। एक तो स्लाइड ये बनी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मोल्टन मिक्सचर को लेंगे, वो जो आपने मोल्टन मिक्सचर तैयार किया है, और उसके बाद एक स्लाइड और बनाएंगे जिसके की अंदर कंप्लीट मीडियम होगा प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टिडीन होगा। वो जो आपने मोल्टन मिक्सचर है उन अगर प्लेट्स के ऊपर डाल देना है और उसको इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस पे 2 से 3 दिन के लिए। जब तक कि हिस्टिडीन डिप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक की सारी सेल्स, जो हिस्ट सेल्स हैं, यहाँ पे जो हम नाम दे रहे हैं इन सेल्स को, वो हम कह रहे हैं हिस्ट सेल्स, वो ग्रो करती रहेंगी इन द प्रेजेंस ऑफ म्यूटाजन। जब हिस्टिडीन कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएगा, ओनली द रिवरेंट्स, यहाँ पे रिवरेंट्स क्या है, जो म्यूटेंट्स है विच हैव रिगेन्ड द ओरिजिनल वाइल्ड टाइप कैरेक्टर। हमने क्या किया, यहाँ पे म्यूटेंट्स पहले ही हमने जनरेट किए थे, अब क्या है, हम नॉर्मल हिस्टिडीन की सप्लाई दे रहे हैं। जब तक नॉर्मल हिस्टिडीन है तब तक हिस्टेस जो है ग्रो करती रहेंगी। जैसे ही हिस्टिडीन खत्म हुआ तो क्या होगा, ऐसे रिवरेंट्स, कौन से रिवरेंट्स, यानी ऐसे म्यूटेंट जिनके की अंदर वाइल्ड टाइप एलील अगर ओरिजिन हो गया है, यानी उनके अंदर वाइल्ड टाइप कैरेक्टर आ गया है, तो वो ही सिर्फ ग्रो करेंगे इन प्लेट्स पे। जो स्पॉन्टेनियस रिवरेंट्स है कि तुरंत जो कन्वर्ट, स्पॉन्टेनियस का मतलब तुरंत जो कन्वर्ट हो रहे हैं, रिवरेंट्स कौन से, यानी ऐसे म्यूटेंट जिनके के अंदर वाइल्ड टाइप कैरेक्टर डेवलप हो गया है, तो ऐसे इनका नंबर लो रहता है इन कंपैरिजन टू जो नंबर ऑफ रिवरेंट्स हमने इंड्यूस कराया टेस्ट म्यूटाजन की मदद से। मतलब कि जो स्पॉन्टेनियस यानी जो एकदम से कन्वर्ट हुए उनका नंबर तो लो रहेगा, लेकिन जो हमने टेस्ट म्यूटाजन जो हमने पहले ही डाला था स्लाइड के अंदर, उस टेस्ट म्यूटाजन की वजह से जो रिवरेंट्स सॉरी जो नंबर ऑफ रिवरेंट्स इंड्यूस हुए हैं उनका नंबर हाई होगा। जो रिलेटिव म्यूटाजेनिसिटी है म्यूटाजेनिक सब्सटेंस की, वो विजिबल कॉलोनीज में हम काउंट कर लेंगे और उसको कंपेयर कर लेंगे विद कंट्रोल, कंट्रोल मतलब प्रॉपर कंडीशन और टेम्परेचर के अंदर उसको कंपेयर करके काउंट कर लेंगे। तो जो हाई नंबर ऑफ कॉलोनीज है वो रिप्रेजेंट करेंगी, यानी ग्रेटर म्यूटाजेनिसिटी है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ममेलियन लिवर एक्सट्रैक्ट लेते हैं और उसको ऐड कर देते हैं मोल्टन, जो मोल्टन अगर की आपने प्लेट बनाई है उसके टॉप पे हम क्या करते हैं ममेलियन लिवर एक्सट्रैक्ट को रख देते हैं प्लेटिंग से पहले। अब क्या करते हैं, ये एक्सट्रैक्ट जो है वो कन्वर्ट करता है कार्सिनोजेंस को इनटू इलेक्ट्रोफिलिक डेरिवेटिव्स। इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन लविंग। हमारी बॉडी में भी हर एक जो कोई भी टिश्यू है, कंपाउंड है, उसके अंदर एटम मॉलिक्यूल्स वगैरह सब है,
तो ये क्या करता है, ये जो एक्सट्रैक्ट है ये उन कन्वर्ट कर देता है कार्सिनोजेंस को इनटू इलेक्ट्रोफिलिक डेरिवेटिव्स में, जो कि ये आगे जाके रिएक्ट किसके साथ करते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स के साथ। इसी नेचुरल, इस नेचुरल वे से ये जो प्रोसेस है ये ममेलियन सिस्टम में होता है व्हेन फॉरेन सब्सटेंसेस आर मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर। बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया डू नॉट पोजेस द मेटाबॉलिंग कैपेसिटी एज लिवर डज, बैक्टीरिया के पास ऐसी कोई भी मेटाबॉलिज्म कैपेसिटी नहीं होती जैसे कि लिवर में होती है। देयरफॉर जो लिवर एक्सट्रैक्ट है इज एडेड टू दिस टेस्ट जस्ट टू प्रमोट द ट्रांसफॉर्मेशन। हम ममेलियन एक्सट्रैक्ट का यूज क्यों कर रहे हैं, हम ममेलियन एक्सट्रैक्ट का यूज यहाँ पे इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन को हम प्रमोट कर पाए। इसीलिए देयरफॉर जो सेवरल पोटेंशियल कार्सिनोजेंस है दैट जनरली आर नॉट कार्सिनोजेनिक अंटिल मॉडिफाइड इन लिवर, फॉर एग्जाम्पल जैसे एफ्लाटॉक्सिन हो गए, B1, B2, G1, G2 etc. ये सारे जो है एफ्लाटॉक्सिन्स है। एमीज टेस्ट has now been used with thousands of substances and mixture such the industrial chemicals, food additives, pesticide, hair dyes and cosmetic. इन सब के लिए हम एमीज टेस्ट को अब यूज करते हैं। अब मेरे पास ये तो था पूरा कि हमने कैसे म्यूटेंट्स ग्रो करने हैं, म्यूटेंट से हमने कैसे म्यूटेजेनिसिटी देखी, फिर हम कौन कैसे म्यूटेंट्स को आइसोलेट कर सकते हैं, किस तरह से हम आइसोलेट करने के बाद उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन। सबको पता है कि डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले जब हमारी सेल डिविजन चल रही होती है, लोगों ने जैसे पढ़ा है सेल डिविजन में क्या है, एक सेल से दो सेल बननी है, तो क्या है भैया एक डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड होता है, तो क्या होता है वो दोनों स्टैंड्स खुलती हैं, दोनों स्टैंड्स खुलने के बाद हर एक स्टैंड के ऊपर रेप्लिकेशन होती है ताकि उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड डेवलप कर सकें। डेवलप होने के बाद क्या होता है, एक डीएनए से आपके दो डीएनए बन गए, वो दो डीएनए फर्दर आपकी कहाँ डॉटर सेल्स के अंदर जाते हैं। तो एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन कई बार क्या होता है, जब आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है उस दौरान क्या होता है मिस रीडिंग ऑफ एक कोई भी कोडॉन, जैसे कि आपने पढ़ा है एडिनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन यूरासिल, यूरासिल आपका आरएनए में होता है। तो जैसे आपने ये सब चीजें पढ़ी है इसमें क्या होता है किसी एक कोडॉन की मिसरीडिंग हो जाने की वजह से क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन में एरर आ जाता है। या फिर दूसरा फैक्टर कौन सा हो सकता है, जो हमने म्यूटेजेंस यूज किए थे, म्यूटेजेंस केमिकल भी हो सकते हैं रेडिएशन भी हो सकते हैं। केमिकल में जैसे आ गए एल्काइलेटिंग एजेंट्स जैसे कि नाइट्रोसो ग्वानिडीन, जैसे जो हमने ऊपर रेप्लिका प्लेटिंग मेथड में भी यूज किया था, उसके अलावा नाइट्रोसामीन एक्सेट्रा, रेडिएशन में एक्सरेज, यूवी रेज एक्सेट्रा। तो इन म्यूटाजेंस के डैमेजिंग इफेक्ट के कारण भी म्यूटेशन हो सकता है। अब सबसे पहला ये डायग्राम में मैंने दिखाया कि एरर रेप्लिकेशन में एरर कैसे आ रहा है। तो आपने देखा है जैसे पेरेंट मॉलिक्यूल में ये पूरा कोडॉन है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड का, फर्दर रेप्लिकेशन में एरर क्या हुआ, फोर्थ पोजिशन पे क्या हो गया रेप्लिकेशन एरर, वहां पे थायमिन की जगह क्या आ गया साइटोसिन आ गया। वही फर्दर आगे क्या हुआ, आगे ग्रैंड डॉटर में गया तो म्यूटेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्म में पहुंच गया। इसके बाद हम सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं जो कि आपका केमिकल म्यूटेजेंस था। केमिकल म्यूटेजेंस में आपके एल्काइलेटिंग एजेंट्स आ गए, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स आ गए। अब एल्काइलेटिंग एजेंट्स करते क्या है, किस तरह से ये डैमेजिंग इफेक्ट शो करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ये क्या करते हैं एल्काइल ग्रुप, जैसे कि CH3 हो गया, एल्काइल ग्रुप में जैसे मिथाइल ग्रुप हो गया CH3, या जो भी एल्काइल ग्रुप यानी उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1, इस फॉर्मूले में पुट करके जो भी आपका एल्काइल ग्रुप बन रहा है उसको ऐड कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन में मिस पेयरिंग हो जाती है, यानी प्रॉपर पेयर बनने की जगह मिस पेयरिंग हो जाती है। अब क्या होता है रॉन्ग बेसिस के साथ पेयरिंग होती है, जो मिथाइल ग्रुप ग्वानिन के साथ जो बाउंड होते हैं वो किसके साथ पेयर कर लेते हैं थायमिन के साथ, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन को पेयर होना चाहिए। जब हम चारगॉफ्स रूल वगैरह सब पढ़ते हैं तो आपको पता होगा एडिनिन थायमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ। तो ये क्या करते हैं एल्काइलेटिंग, जब एल्काइल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो क्या होता है जो ग्वानिन के साथ एल्काइल ग्रुप लिंक्ड है उसको पेयरिंग एक्चुअली नॉर्मली पेयरिंग ग्वानिन की साइटोसिन के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह क्या होता है थायमिन के साथ हो जाती है।
और इन एल्काइलेटिंग एजेंट्स का एग्जांपल हो गया जैसे फॉर्मेलिन, नाइट्रोजन, मस्टर्ड एंड इथाइलिन ऑक्साइड, जो कि इथाइलिन ऑक्साइड क्या करता है, गुआनिन के साथ रिएक्ट करता है, चेंजिंग इट टू बाइंड विद थायमिन, और उसको वो चेंज कर देता है, उसकी बाइंडिंग साइट को वो इस तरह से चेंज कर देता है कि वो साइटोसिन के साथ ना बाइंड होके वो थायमिन के साथ बाइंड हो जाए। अब दूसरे तरह के केमिकल एजेंट्स हो गए जैसे कि इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। इंटरकैलेटिंग एजेंट्स क्या करता है, वो डीएनए के अंदर इंसर्ट हो जाता है, मतलब इंटरकैलेटिंग, अगर आपको समझ में आ रहा हो इंटरकैलेट यानी सैंडविच हो जाना, तो वो डीएनए के अंदर जो बेसिस है उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है और क्या करता है, अब जब नॉर्मल पेयरिंग ऐसे है, अब क्या हो रहा है वो बीच में आ गया तो क्या करेगा, जो बेसिस को है थोड़ा दूर दूर कर देगा। और इंटरकैलेटिंग एजेंट का एग्जांपल है एफ्लाटॉक्सिन। ये एफ्लाटॉक्सिन है क्या, एफ्लाटॉक्सिन एक ऐसा केमिकल है जो कि पीनट या फिर ग्रेन मोल्ड से प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पे जो हम मोल्ड यूज, मोल्ड कौन सा है, एस्परजिलस फ्लेवस जो कि एक फंगस है। इसके कारण क्या होता है, ये जो इंटरकैलेटिंग एजेंट्स है ये क्या कर रहे हैं, जब बेसिस को दूर दूर कर रहे हैं तो उसके कारण क्या होता है, जो म्यूटेशन डेवलप होता है उसे हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब आप इमेजिन करके देखो, एक नॉर्मल फ्रेम है, उस नॉर्मल फ्रेम में अगर आपके कोडॉन आ रहे हैं ए जी टी, तो बीच में इंटरकैलेटिंग एजेंट आने की वजह से क्या हो गया, वो ए और जी के बीच में अगर इनकॉर्पोरेट हो गया तो इंटरकैलेटिंग एजेंट जी और टी रह जाएगा, ए आपका फ्रेम से बाहर हो गया, तो क्या हो गया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है बेंजोपायरीन। बेंजोपायरीन बेसिकली स्मोक से होता है और ये भी आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज करता है। जैसे मैंने इंटरकैलेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल दिखाया, ये वाइल्ड टाइप है, ए और टी की आपस में है, रेप्लिकेशन हुआ, टी की बजाय क्या हो गया, 5-BU आ गया, A5BU, ए और 5BU आपस में इन लोगों का हो गया। ये जो 5BU ये बेसिकली आयनाइज फॉर्म है, ये अब एडिनिन को थायमिन के साथ होना चाहिए था लेकिन वो ग्वानिन के साथ बाइंड हो गया। फर्दर आपने ये पूरा देखा, फर्दर एप्लीकेशन हुआ तो GBU और GC हो गया। इस तरह से ये इंटरकैलेटिंग एजेंट जो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज करते हैं। अब तो तीसरे टाइप के हम पढ़ते हैं बेस एनालॉग्स। बेस एनालॉग्स क्या है, अगर आप समझ रहे हो, एनालॉग आपने 12th में भी पढ़ा होगा, एनालॉग क्या करते हैं, जो कि एक को रिप्रेजेंट करते हैं या तो फंक्शन में या फिर स्ट्रक्चर में। तो बेस एनालॉग्स क्या है, ये बेसिकली जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उन्हीं की तरह दिखते हैं। जैसे AZT is a modified sugar that substitutes for T, यानी थायमिन। जो 5-BU ऊपर बता रहा था, that is a example, that is 5-bromouracil, जो कि या तो एडिनिन के साथ या ग्वानिन के साथ बाइंड करता है। ये पूरा बेस एनालॉग्स, इसमें बेस एनालॉग पर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दोनों आप समझ सकते हैं इस फोटो से। ऊपर में बेस एनालॉग अच्छे से समझ में आ जाएगा इसमें। फिर हम फर्दर आगे चलते हैं तो उसमें हम बात करते हैं फिजिकल म्यूटाजेंस भी होते हैं। अब फिजिकल म्यूटाजेंस में आपकी आदत है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या करते हैं, बेसिकली जो टी और टी डाइमर्स है उसकी फॉर्मेशन को कॉज कर सकते हैं। और ये कब होता है, जब यूवी लाइट 260 नैनोमीटर की हो उस पर हो सकता है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन तीन तरीके से है। पहले तो डाइमर बना दिया, या उसके अलावा क्या करते हैं, ये जो हार्मफुल कोवेलेंट बॉन्ड्स की है उसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि पायरिमिडीन और पायरीन के बीच में होनी चाहिए। आपने दो तरह के एनालॉग पढ़े, प्यूरीन और पायरिमिडीन। तो क्या करते हैं, ये जो पायरिमिडीन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उसकी फॉर्मेशन को अफेक्ट कर देते हैं, जैसे थायमिन और साइटोसिन के बीच में। उसके अलावा डीएनए स्ट्रैंड्स के अंदर गैप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो जिसके कारण क्या होगा, पेयरिंग नहीं होती, रेप्लिकेशन नहीं होगी और फर्दर सेल डेथ। मैंने जैसे नीचे एक एग्जांपल दिखाया है, थायमिन का स्ट्रक्चर है, यूवी लाइट ने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ पायरिमिडीन डाइमर कॉज कर दिया, तो थायमिन डाइमर बन गया, तो वो फर्दर उसकी क्या होगी, उसकी पेयरिंग नहीं हो पाएगी, पेयरिंग नहीं होगी तो रेप्लिकेशन नहीं होगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा तो सेल डेथ आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन की। अब ये जो आयनाइजिंग रेडिएशन है ये क्या करते हैं, ये डीएनए को ही डैमेज कर देता है। कैसे डैमेज करता है, कैसे, बाय फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल्स पढ़े हो तो बेसिकली फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, जो दो, अगर दो कंपाउंड्स, दो जैसे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो वो क्या होगा, बॉन्ड पूरा कंप्लीट या तो एक पे ट्रांसफर ना होने की वजह से, या तो बीच से होमोलिटिक फ्यूजन हो जाएगा। होमोलिटिक फ्यूजन की वजह से होने की वजह से क्या होता है,
हर एक कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू होमोलिटिक फिजन, उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। तो आयनाइजिंग रेडिएशन कैसे डैमेज कॉज कर देते हैं, बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स फर्दर डीएनए मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन करके कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर देती है, मिसपेयरिंग कर देती है। और आयनाइजिंग रेडिएशन तो उसके कारण क्या होता है, जब मिसपेयरिंग हो जाती है तो ढंग से पेयरिंग नहीं हो पाती, उसके अलावा सेल आपकी जो है सेल रेप्लिकेट नहीं कर पाती, उसके कारण आपकी सेल डेथ हो जाती है। जैसे कि इसका एग्जांपल है एक्सरेस, गामा रेस, जो ये बेसिकली रेडिएटिव फॉल आउट पेनिट्रेट, ये जो है बेसिकली बॉडी में पेनिट्रेट करके फ्री रेडिकल्स फॉर्म करती हैं। उसके अलावा अल्फा रेस भी हैं। अल्फा रेस कैसे जाती हैं, जो इनहेल डस्ट की वजह से। ये आखिरी एक स्लाइड है जिसमें कि मैंने पॉसिबल इफेक्ट ऑफ म्यूटाजन दिखाया, जो कि जो पहले डीएनए रेप्लिकेशन है उससे मिलता जुलता है। अब इसमें क्या हो गया, बेसिकली क्या हुआ कि आयनाइजिंग रेडिएशन ने एक फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया, जो कि आप लाल से देख सकते हो एक्स। ये एक अल्टर्ड न्यूक्लियोटाइड है, ये पेरेंट मॉलिक्यूल में गया। ये फर्दर क्या हुआ, दो डॉटर मॉलिक्यूल्स में रेप्लिकेट होके गया, तो एक में क्या हो गया, म्यूटेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्म में ये फर्दर ट्रांसफर होता गया, और इस तरह से इसने म्यूटेशन कॉज की। थैंक यू। Thank you, Pranshul and Kanupriya. Very good explanation. I would like to director sir to say something. Nicely presented webinar by the BPharm final year students. I congratulate for your hard work, and I express my best wishes for your forthcoming exams. At the same time, it is a matter of delight for us that today one of the distinguished alumni of Dr. K.N. Maipar, Ms. Surabhi Prajapati, is present with us, and I would like to invite her to give a few remarks and comments on today's webinar. Ms. Surabhi. A very well good evening to Director Sen and all the faculty members who are present there. Firstly, I want to say all of you that it's been a very informative session that you, the students, which they gave on the topic of fermentation. It's a very informative session. I like it very much the way you explained it, Kanupriya and Pranshul. It's such a great thing that you both have done. And I would like to add a few points which I have noticed in the presentation. That is, the when you people just give the presentation, so just you have to add the table of content so the people can understand by the table of content that what are you going to say. You both haven't added the table of content. And for Pranshul, you describe it very well. I really liked it when you started from the term mutagen, mutants, and mutation. These are the terms that are correlated to each other, and they specify in each their own. And Kanupriya, I just want to ask, say you one thing, just never read the whole paragraph and you just explain the thing. You have made the PPT, so you have learned all the things about that. So when you just read the things and read the whole line in front of the audience, so just it makes a little distraction for them that the person is reading the thing again and again. Just you have learned all the things, you have made the PPT, so you have learned all the things, right? So for me, it's like that. That's what I noticed, and all the rest of the things are so wonderful. And I like the session very much. I have listened it for such a long time. I have did this session, and I have been the part of Dr. K.N. Modi, and I am very privileged to be a part of this. This Surikant sir and all the faculty members taught this very well. So just I want to say all this and thank you so much. Thank you very much, Surabhi, for your expert comments, and I am hopeful that in future also, whenever you get some time, you will definitely like to interact with your juniors. Right. At the same time, I am also hopeful that our BPharm final year students will come forward some more webinars on some important topics from the examination point of view. Thank you very much
all the faculty members and all the students attending today's webinar. Thank you very much.